माइनक्राफ्ट एक ऐसी गेम है जिसमें हम माइन कर करके अंबानी को भी पछाड़ सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप इस माइनक्राफ्ट गेम में माइन ही ना कर पाओ, क्योंकि आपको हर जगह सिर्फ ये बेड रॉक ही मिलेंगे जिसको तोड़ने में बड़े से बड़ा धमाका भी फेल हो जाता है। तो क्या हम इस वर्ल्ड में 100 डेज सर्वाइव कर पाएंगे, वो भी हार्डकोर में? जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी इन 95% लोगों में आते हो तो यार क्या कर रहे हो अभी तक? बस सब्सक्राइब ही तो दबाना है यार, एक बटन है बस लाल वाला, उसको दबा दो बस। फ्री की चीज है यार, फ्री की चीज ऐसे छोड़ते नहीं है, बस दबा दो। और हाँ, उस बेल आइकन को भी दबाना, वो भी फ्री है। तो डे वन को स्पॉन हुआ मैं इन बेड रॉक्स के ऊपर, जहाँ पर हमें करने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन इस वर्ल्ड की एक खास बात है कि इसमें बेडरॉक के ऊपर यहाँ पे विलेजेस भी स्पॉन होते हैं। तो अपना पहला यही टारगेट था कि एक विलेज को ढूंढा जाए, क्योंकि अपनी हम जिंदगी की शुरुआत वहीं से कर सकते हैं। और लकीली थोड़ा सा घूमने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पे एक विलेज मिल चुका था, जहाँ पर मैंने बिना टाइम वेस्ट करते हुए घरों से लकड़ियाँ चुराना चालू कर दिया। पर लकड़ियाँ चुराते चुराते मुझे यहाँ पे एक पेड़ भी दिख गया था, तो मैंने अंकल जी की लकड़ियाँ उनको वापस कर दी, किसी के घर से क्यों चोरी करना। और फाइनली उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक टूल्स बनाए, लेकिन कोबलस्टोन के लिए मुझे अंकल जी के घर से दोबारा चोरी करनी पड़ी, बाद में लौटा देंगे इनको। तो काफ़ी देर चोरी करने के बाद फाइनली मैंने अपने टूल्स को अपग्रेड कर लिया स्टोन टूल्स में। इसके बाद मेरा टारगेट था कि मैं आयरन टूल्स बनाऊँ, पर आयरन के लिए हम माइनिंग कर नहीं सकते थे। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत पेड़ लगाए, और उसके बाद मैंने यहाँ पे काफ़ी सारा खाना चुराया, जिससे मेरे पास 48 ब्रेड आ चुके थे, यानी कि अब हमारे पास खाने की बिल्कुल कमी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ एक चीज़ की, कि हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल ब्लॉक्स नहीं थे, जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो उसके बाद मुझे यहाँ पे एक पत्थर का घर दिखा, जो कि कुछ ज़्यादा बड़ा सा लग रहा था, तो मैंने उसकी एक मंजिल उड़ा दी। एक ब्लॉक रह गया है, चलो एक छोड़ देते हैं। और उसके बाद मुझे यहाँ पे गोलम भैया मिले, यानी कि अब अपने पास आयरन भी आने वाला था। तो ना चाहते हुए भी मुझे गोलम भैया को मारना पड़ा, जिससे मुझे यहाँ पे 5 आयरन मिल चुके थे, जिससे मैंने एक पिकेक्स बना ली। और पिकेक्स बनाते बनाते यहाँ पे रात हो चुकी थी और सारे गांव वाले सोने जा चुके थे, लेकिन ये जानवर बेचारे भूखे थे, तो मैंने इनको थोड़ा सा खाना खिला दिया। और ये इतने भूखे थे इन्होंने, तो यहाँ पे रात तो हो चुकी थी लेकिन हमारे पास सोने के लिए बेड नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना आज की रात अंकल जी के घर में ही बिता लिया जाए, लेकिन यहाँ पे एक भी बेड खाली नहीं था। लेकिन इनकी तिजोरी से मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत फूड और मिल गया, और अपनी नींद पूरी करने के लिए मैंने अंकल जी को उनके बेड से उठा दिया और मैं खुद सोने चला गया, क्योंकि हमारा सोना बहुत ज़रूरी था, ये तो वेले घूमते रहते हैं। और सुबह उठकर मैंने अंकल जी के घरों में छानबीन चालू करी, जहाँ से मुझे कुछ नहीं मिला। और इस गांव को लूटने के बाद मैं सीधा आगे बढ़ गया, लूटा क्या, कुछ था ही नहीं। और अभी बस मैं इस विलेज से बाहर निकला ही था कि मुझे यहाँ पे एक रुइंड पोर्टल दिख गया, और रुइंड पोर्टल के थोड़ा सा आगे मुझे दूर एक विलेज भी दिख रहा था। ये दोनों विलेज कितनी ज़्यादा पास थे, और एक बीच में रुइंड पोर्टल भी था, जो कि अपने लिए बहुत ही अच्छी बात थी, क्योंकि यहाँ से हमें लावा भी मिल जाएगा और लावा से हम बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हैं। और इस चेस्ट से मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत ठीक ठाक सामान मिल चुका था, कुछ ऑब्सिडियन भी मिल चुके थे, यानी कि अब हम नेदर में भी जा सकते थे। और मुझे यहाँ पे एक गोल्ड ब्लॉक भी दिख रहा था, और जिसको मैं गंवाना बिल्कुल नहीं चाहता था। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे एक बकेट बना ली, उसमें लावा भर के थोड़ा सा बाहर फेंक दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे गोल्ड ब्लॉक को कलेक्ट किया। मुझे तो लग रहा था ये गोल्ड ब्लॉक भी जाने वाला है, पर मैंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए गोल्ड ब्लॉक की जान बचा ली। और उसके बाद मैंने बाहर फेंका हुआ लावा को उसकी जगह पे वापस रख दिया, पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया, बाहर पड़ा रहता तो कौन सा वो गायब हो जाता, पर ठीक है चलो। और उसके बाद मैं थोड़ी बहुत लूटपाट मचाने के लिए सीधा विलेज में घुस गया, जहाँ से मैंने काफ़ी सारा खाना चुराया, और खाना चुराते चुराते हमारी हो ने अपनी जान दे दी। और उसके बाद मैंने काफ़ी सारा ब्रेड बनाया, इतना ब्रेड तो मैं पूरी ज़िंदगी में नहीं खा पाऊंगा। और उसके बाद मैं सीधा निकल गया गोलम भैया से मज़े लेने के लिए, और थोड़ी बहुत मार पिटाई करने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पे, ये गोलम भैया थोड़े से गरीब थे, सिर्फ 3 ही आयरन दिए। और उसके बाद मैंने अपने लिए एक आयरन की स्वाड बनाई और चालू किया इस गाँव को लूटना। और फाइनली काफ़ी ज़्यादा छानबीन करने के बाद इस विलेज से भी मुझे कुछ नहीं मिला। और बस अभी मैं इस विलेज से बाहर निकल ही रहा था कि मुझे यहाँ पे थोड़े बहुत जानवर मिले, जिनको थोड़ा बहुत मैंने खाना खिला दिया। और ये विलेज भी हमें अंबानी नहीं बना सकता था, तो मैं इस विलेज को भी छोड़कर सीधा आगे बढ़ गया।
और काफी देर भटकने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पे एक और रुइंड पोर्टल मिला जो कि काफी ज्यादा अच्छी हालत में था और जिसको कंप्लीट करके मैं नेदर में भी जा सकता था। लेकिन उससे पहले मैंने चेस्ट को लूटना सही समझा और जिसमें से मुझे यहाँ पे थोड़े बहुत ऑब्सीडियन और नेदर में जाने के लिए फ्लिंट एंड स्टील भी मिल चुकी थी। तो उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना इस नेदर पोर्टल को कंप्लीट कर दिया जाए। तो उसके बाद मैंने अपने नेदर पोर्टल को कंप्लीट कर दिया और नेदर पोर्टल को कंप्लीट करते करते यहाँ पे रात हो चुकी थी। तो मैं यहीं पे अपना बिस्तर लगा के सो गया और सुबह उठकर मैंने देखा कि मैंने गड़बड़ कर दी है, बीच में क्रैंग ऑब्सीडियन भी है जिसको मैंने सीधा तोड़ना चालू किया। 2000 years later. A few moments later. और अब फाइनली हमारा नेदर पोर्टल स्टार्ट हो चुका था, लेकिन मैं नेदर में जाने की हालत में बिल्कुल नहीं था क्योंकि अभी हम थोड़े नंगे थे, हमारे पास अभी बिल्कुल भी कपड़े नहीं थे। ऐसी हालत में मैं नेदर में जाता तो शायद वापस ही ना पाता। तो मैंने नेदर में जाने का प्लान ड्रॉप किया और सीधा आगे बढ़ गया। तो गोलम भैया की मदद से मुझे यहाँ पे 12 आयरन इंगट मिल चुके थे जिसे मैंने अपने लिए एक चेस्ट प्लेट बना ली। और पता नहीं क्यों मैंने चेस्ट प्लेट पहनी नहीं यार, मैं भूल बड़ी जल्दी आता हूँ। और अपने लिए घर बनाने के लिए हमें चाहिए थे काफ़ी सारा सामान जो कि हमें कहाँ से मिलेगा मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ लगाए और उसके बाद मुझे याद आया कि क्यों ना मैं एक कोबलस्टोन जनरेटर बना लूँ जो कि मैं बहुत ईजीली बना सकता था। लावा और वाटर ही लगेगा उसमें बस। लेकिन मैं अपने नेदर पोर्टल से लावा भर के लाया नहीं था। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने लिए एक बकेट बनाई। वैसे यार एक से काम चल जाता, पता नहीं क्यों मैंने अपने 3 आयरन वेस्ट कर दिए। उसके बाद मैं सीधा निकल गया अपने नेदर पोर्टल के लिए और अपनी बाल्टी में लावा भर के मैं सीधा अपने घर आ रहा था कि यहाँ पे रात हो चुकी थी और हमारे अंकल जी थोड़ा खतरे में आ चुके थे। तो मैंने सोचा क्यों ना अंकल जी की थोड़ी सी मदद कर दी जाए। लेकिन मार पिटाई करने से पहले मैंने नींद लेना ज़्यादा सही समझा और सुबह उठकर इनको कूटना चालू किया। और यहाँ पे मैं अपनी आग बुझाना चाह रहा था लेकिन मैंने सामने वाले की आग बुझा दी। हमने अंकल जी की जान तो बचा ली थी लेकिन अंकल जी ने हमें थैंक यू नहीं बोला। नहीं चलो कोई बात नहीं, मिलते रहेंगे हम तो। उसके बाद मैंने फाइनली अपने लिए कोबलस्टोन जनरेटर बना लिया लेकिन आधे से ज़्यादा कोबलस्टोन लावा में जा रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक ट्रैप डोर लगा के इसको थोड़ा सा कवर कर दिया जाए और मैंने हग दिया। तो अब मुझे दोबारा जाना था लावा लेने के लिए। तो मैं सीधा निकल गया नेदर पोर्टल के लिए और जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ मचाने के बाद मुझे लावा दिखाई नहीं, शायद लावा ख़त्म हो गया था। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन थे कि मैं सबसे पुराने वाले पोर्टल पे जाके लावा लेके आऊँ जो कि पता नहीं कहाँ है मुझे भी नहीं पता, और या फिर मैं नेदर में जाके लावा लेके आऊँ। तो काफ़ी देर सोच विचार करने के बाद मैंने सेकेंड ऑप्शन को सही समझा, देखते हैं हमारा लक अब कितना सही है। और लकीली हमारा नेदर पोर्टल ओपन हुआ लावा किनारे जहाँ से मैं एक बाल्टी लावा भर के सीधा अपने घर चलाया। और इस बार मैं वो गलती दोहराना बिल्कुल नहीं चाहता था। तो काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतने के बाद मैंने फाइनली लावा को कवर कर दिया स्लैब से, लेकिन अभी भी हमारे कोबलस्टोन लावा में जा रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना नीचे हॉपर लगा के कुछ ऐसा सिस्टम बना दिया जाए कि सारे कोबलस्टोन अपने आप चेस्ट में चले जाएं। लेकिन हॉपर से बनाने के लिए हमें चाहिए थे 4 से 5 आयरन, पर मेरे पास सिर्फ 1 ही आयरन इंगट था। तो फिर गोलम भैया कहाँ चले गए? और गोलम भैया ने हमें सिर्फ 3 ही आयरन दिए। तो मेरे पास यहाँ पे 4 आयरन हो चुके थे लेकिन चाहिए थे मुझे 5, और 1 आयरन ढूंढने के लिए मुझे एक और गोलम भैया ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन अफसोस हमारे इस गांव में अब गोलम भैया ख़त्म हो चुके थे। तो अब मुझे अब जाना पड़ेगा दूसरे गांव में। और फाइनली मैं पुराने वाले विलेज में वापस आ गया जहाँ पर गोलम भैया आ चुके थे जिन्होंने मुझे इस बार ज़्यादा आयरन दिए। तो मेरे पास अब यहाँ पे टोटल 8 आयरन हो चुके थे जिनको लेके मैं सीधा अपने घर चलाया। और घर आके मैंने सबसे पहले हॉपर बनाया और उसके बाद चालू किया अपने लिए एक नया वाला कोबलस्टोन जनरेटर बनाना। और फाइनली हमारा कोबलस्टोन जनरेटर बन के रेडी हो चुका था। तो अपना नेक्स्ट यही टारगेट था कि काफ़ी ज़्यादा कोबलस्टोन माइन किया जाए। 2000 years later. और पूरे के पूरे 3 दिन माइन करने के बाद फाइनली हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कोबलस्टोन आ चुका था। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे रात हो रही थी लेकिन हमारा बेड कोई हड़प चुका था जिसको हटा के मैं सीधा सोने चला गया। और सुबह उठकर मैंने देखा तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कोबलस्टोन आ चुका था जिससे हम अपने लिए एक सुंदर सा घर बना सकते थे। लेकिन मैं अपना घर सिर्फ कोबलस्टोन से नहीं बनाने वाला था, थोड़ा अच्छा भी तो दिखना चाहिए। और उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना फार्मिंग चालू करी जाए। तो उसके बाद मैं सीधा अपने पुराने वाले गांव में निकल गया काफ़ी सारी डर्ट कलर करने के लिए। और काफ़ी सारी डर्ट कलर करके मैं सीधा अपने घर चलाया और घर आके मैंने अपने पड़ोसियों की थोड़ी सी सब्जियाँ चुरा ली, अपने फार्म में लगाएंगे।
लेकिन ये अंकल जी अभी भी सुधरने वाले नहीं थे, इन्हें अभी भी हमारे बेड पे सोना था। तो अगले दिन मैंने शुरू किया अपने लिए एक फार्म बनाना। तो हमारी फसल उगने में थोड़ा बहुत टाइम लगने वाला था, तो मैंने सोचा क्यों ना जब तक थोड़े जानवरों को पाल लिया जाए, और साथ ही साथ मैंने उनको थोड़ा बहुत खाना भी खिला दिया, बाद में मैं उनको खा लूंगा, हिसाब बराबर रखेंगे। तो अगले दिन मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत छोटे मोटे काम किए, जैसे पेड़ वेड़ लगाना। और उसके बाद मुझे याद आया कि अपने पास तो आर्मर ही नहीं है, यानी कि नेदर में जाके अपनी चटनी बन जाएगी। और आर्मर बनाने के लिए हमें लगने वाला था काफ़ी ज़्यादा आयरन, जो कि हमें बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक अंकल जी को जॉब दी जाए आर्मरर वाली। तो उसके लिए मुझे बनाना था एक ब्लास्ट फर्नेस जिसमें आयरन लगेगा, और आयरन के लिए, और उसके बाद मैंने एक ब्लास्ट फर्नेस बनाया। लेकिन ये वेले अंकल जॉब लेने के मूड में ही नहीं थे, पर जैसे तैसे एक अंकल जी ने हमारी बात सुन ली और आर्मर की जॉब ले ली, जो कि हमें आयरन का आर्मर दे रहे थे। लेकिन उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा एमरल्ड चाहिए होंगे, तो उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा फार्मिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अभी भी हमारी सब्जियां कच्ची थीं, और दूर मुझे एक वहां पे एक पिग मिला जिसको मैं अपने घर लेके आ गया। अभी ये सिंगल है, बाद में इसको मिंगल बना देंगे। और उसके बाद मैं सीधा सोने चला गया, और अगले दिन मैंने छोटे मोटे काम किए क्योंकि हमारी सब्जियां अभी तक नहीं उगी थीं, और हमारी दुनिया में पेड़ की बहुत कमी हो रही है। तो उसके बाद मैंने काफ़ी सारे पेड़ लगाए, और काफ़ी देर वेट करने के बाद फाइनली हमारी सब्जियां उग चुकी थीं, जिनको काट के मैं सीधा बेचने चला गया। और अपनी काफ़ी सारी सब्जियां बेचने के बाद मुझे सिर्फ 7 ही एमरल्ड मिले, जिसको बेच के मैंने अपने लिए एक पैंट खरीद ली। लेकिन मुझे अपने लिए एक जूते और एक हेलमेट भी खरीदना था। तो उसके बाद मैंने दोबारा से अपनी फार्मिंग चालू करी। अगर मैं ऐसे ही काम करता तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, तो मैंने सोचा क्यों ना हमारे पास गोलम भैया हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं, हमें फ्री में दे देते हैं सामान। फाइनली मेरे पास यहाँ पे एक हेलमेट और एक अपने लिए जूते आ चुके थे, जिनको पहन के मैंने अपने आप को फुल्ली आयरन में कवर कर लिया था। तो अब बारी थी अपने लिए एक सुंदर सा घर बनाना, और हमारा जंगल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। तो अगले दिन मैंने अपने जंगल की कटाई करी, लेकिन रात होते होते यहाँ पे स्केलेटन भैया आ चुके थे, जिनको मारने के बाद मुझे लग रहा था कि मुझे बोन दे देंगे, पर दोनों में से किसी ने नहीं दी। उसके बाद मैंने काफ़ी सारी सैपलिंग्स लगाई और सीधा सोने चला गया। और अपना घर बनाने के लिए हमें चाहिए थे काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज, तो उसके लिए मैं सीधा निकल गया नेदर के लिए। और नेदर में घुसते ही मुझे यहाँ पे गोल्ड नगेट मिल गए, जिससे मैंने अपने लिए गोल्डन बूट्स बना लिए और सीधा निकल गया क्रिम्सन वुड की तलाश में। उसके बाद मुझे यहाँ पे थोड़े बहुत क्वार्ट्स भी मिल गए थे, जिनको कलेक्ट करके मैं सीधा आगे बढ़ गया। और फाइनली काफ़ी ज़्यादा भटकने के बाद मुझे यहाँ पे क्रिम्सन फॉरेस्ट मिल चुका था, जहाँ से मैंने काफ़ी सारी क्रिम्सन वुड कलेक्ट कर ली। A few moments later. और काफ़ी देर भटकने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पे ब्लैक स्टोन भी मिल चुका था, लेकिन ब्लैक स्टोन के साथ साथ यहाँ पे हमें कास्ट भी मिल चुकी थी, और जिससे लड़ने के मूड में मैं बिल्कुल नहीं था, और शायद लड़ भी नहीं पाता। तो उसको इग्नोर मारते हुए मैंने काफ़ी सारा ब्लैक स्टोन कलेक्ट कर लिया। और उसके बाद मुझे यहाँ पे एक मैग्मा क्यूब दिखा, तो मैंने सोचा क्यों ना इससे थोड़े बहुत मजे लिए जाएं। पर मैं इससे मजे ले ही रहा था कि ये घास्ट हमारे पीछे पड़ चुकी थी, पर जैसे तैसे मैंने अपने आप को बचाया, लेकिन अभी भी ये घास्ट हमारे पीछे पड़ी हुई थी, और मैं लड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था, अगर लड़ता भी तो शायद बच ना पाता। तो अपने आप को बचाते बचाते मैं सीधा अपने घर चलाया। तो फाइनली हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सामान आ चुका था, तो अब बारी थी अपने लिए एक सुंदर सा घर बनाना। तो फाइनली काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद हमारा ये सुंदर सा घर बन के रेडी हो चुका था।
तो होपफुली आपने एपिसोड एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।